ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कुछ रेगुलेशंस आए, कुछ एक्ट आए और उन्हीं को बाद में हमने अडॉप्ट कर लिया एंड दे वर लैंडमार्क इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से एक्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में काफी हेल्प किए। इसमें जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें दो चीजें आती है, एक आता है क्राउन रूल, एक आता है कंपनी रूल और दूसरा आता है क्राउन रूल। तो हम आज देखेंगे कंपनी रूल के बारे में। कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई और जब तक पावर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम तक की हम बात करेंगे, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन 1858 तक बने हैं, 1853 ही लास्ट था चार्टर एक्ट 1853, वहां तक की हम बात करेंगे। और क्राउन रूल में हम बात करेंगे 1858 से 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। पहला हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चार्टर एक्ट 1773 में क्या था? चार्टर एक्ट जो 1773 था इसमें बात हुई थी कि जो गवर्नर है बंगाल का उसे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा और उसे असिस्ट करने के लिए फोर मेंबर काउंसिल होगी। ओके, ये जो फोर मेंबर काउंसिल था ये गवर्नर ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए था। और साथ में ये भी बात, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1774 में। तीसरी बात थी जो गवर्नर ऑफ, जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल था ये सुपीरियर था किससे? प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास, इनसे सुपीरियर था। और चौथी बात इसमें इंपॉर्टेंट जो थी कि द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट एंटर इन एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ट्रेड, किसी भी प्रकार का व्यापार पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करेंगे।
ना ही ब्राइब लेंगे। ये कुछ बातें थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हमने देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में। उसके बाद जो था, जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल था, ये सुपीरियर था किससे? प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से। और उसके बाद हमने देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड में किसी भी प्रकार के इंडल्जमेंट को प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिशन जो यहां से मेजर क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया? 1774 में। किस एक्ट के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहां किया गया? कलकत्ता। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में। अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो बातें थी। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इनको बनाया गया कि ये जो है कॉमर्शियल ऑपरेशंस देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की जिम्मेदारी थी कि ये रेवेन्यू, मिलिट्री एटसेट्रा कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया 1784 में? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना की गई। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे बोला गया, क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम जैसे ही आता है वैसे ही हमारे दिमाग में आता है 1829 एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा की समाप्ति में अहम योगदान था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब भी नाम आता है तो हमें ध्यान आना चाहिए कि 1829 में एबोलिशन ऑफ सती, एक अहम रोल था इनका। उसके बाद जो प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उनके लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया गया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स, और सारा लेजिस्लेटिव पावर किसे दे दिया गया? प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को। यहां पे एक और बात हुई थी, ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन ये बाद में डिनाई कर दिया क्योंकि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका अपोजिशन किया। सो चार्टर एक्ट 1833 से मेजर हमें याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया कहा गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब भी नाम आए हमारे ध्यान में आना चाहिए कि 1829 एवोल्यूशन ऑफ सती। उसके बाद जो प्रेसिडेंसीज थी बंगाल एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, इनको डिप्राइव कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर्स से, दे कैन नॉट मेक देयर ओन रूल्स। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 में जो हमने देखा था पहले, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था, गवर्नर था, गवर्नर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसे असिस्ट करने के लिए फोर मेंबर काउंसिल बनाई गई थी। यहां पे एडिशनल सिक्स मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इसे मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। आउट ऑफ सिक्स चार जो थे ये नॉमिनेटेड थे, किससे? प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास, आगरा। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड आगरा, चार जो थे इसमें इंडियन थे, और इसे मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। और इसी टाइम ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज आया, बाद में 1854 में मैकाले कमिटी बना। कमिटी बना 1853 में। ओके, अभी तक हमने कंपनी रूल देखा, मीन्स द लेजिस्लेशंस विच वर इनेक्टेड ड्यूरिंग कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1853, 1773 से 1853 तक। उसके बाद 1857 में सिपाही म्यूटनी हुआ, और सिपाही म्यूटनी होने के बाद इसे जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। अभी तक ये किस में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1774, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833, सिक्स न्यू मेंबर्स, एडिशन ऑफ सिक्स न्यू मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1853। जो चार्टर एक्ट 1833 आया था उसमें यह बताया गया कि जो भी लेजिस्लेशन इसके पहले बने हैं उन्हें हम कहेंगे रेगुलेशन, और जो 1833 के बाद बनेंगे उसे हम कहेंगे एक्ट। बस ये छोटा सा है कंपनी रूल, बाकी हम देखेंगे कल क्राउन रूल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।